सो गुड मॉर्निंग गाइस, और आज सुबह हो गई है, टाइम हो गया है 6:30 और मौसम बहुत खूबसूरत है। मेरे सारे डॉग लोग भी सो रहे हैं और मैं हूँ रिया। मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे वीडियो में बने रहिएगा। आई होप आप लोग मेरे वीडियो में बने रहोगे और लाइक भी करोगे। तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वहाँ पर ये सो रही है और वहाँ पर वो दोनों भी सो रहा है और मौसम कुछ ऐसा है। तो मेरे दिन की शुरुआत हो जाती है मेरे डॉग लोग के खाना बनाने के साथ में। तो मैंने खाना बना दिया था यहाँ पर और मैं ले आई थी इन लोगों का बर्तन धो के। फिर इसमें ना मैं सबको खाना दे देती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि मेरा काम बहुत बड़ा होता है खाना बनाने वाला। तो मैं इन लोगों को खाना पहले दे देती हूँ, उधर से मैं फ्री हो जाती हूँ। यहाँ पर मैं इन लोगों का खाना ही बना के निकाल के ठंडा कर रही थी। अंडा चावल देती हूँ मैं सुबह में और इसमें रूल्स मिला देती हूँ, मतलब उन लोगों का डॉग फूड मिलाती हूँ। फिर इसके बाद ना मैं क्या करती हूँ ना कि दोपहर का भी खाना मैं साथ साथ में बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आज तड़का बनाने वाली थी दाल, चना दाल और मूंग दाल का। तो यहाँ पे मैं हल्दी नमक वगैरह डाल के सब इसको बैठा दे रही हूँ ऊपर, क्योंकि ना मैं एक साथ सब खाना वाना बना लेती हूँ। तो यहाँ पर वही बना रही थी और ये मैं एग और दूध ले ली थी, थोड़ा सा खा लेती हूँ। और ऐसे ड्राई फ्रूट्स मैं खा ली थी, वो रिकॉर्ड नहीं करी थी। तो यहाँ पर मैं एग खा रही हूँ और दूध में केसर डाल के जो पीते हैं ना वो मैं पी ले रही थी, क्योंकि थोड़ा देर नाश्ता जब तक बनता है तब तक मेरा थोड़ा सा ये वाला काम, मतलब थोड़ा एनर्जी आ जाता है तो अच्छा लगता है। पेट में ना सुबह उठने के बाद बहुत तेज़ भूख लग जाती है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ ड्राई फ्रूट्स, एग और दूध पी लेती हूँ सुबह में। फिर उसके बाद में मैं इन लोगों का खाना बन जाता है तो फिर इन लोगों को खाना भी दे देती हूँ साथ साथ में, तो लोग खाना खा लेते हैं अपना। और फिर यहाँ पे मैं तड़के की तैयारी कर रही थी, जो मैं यहाँ पे प्याज व्याज काट ले रही हूँ। और ये वाला किचन में ना मैं पहली बार खाना बना रही थी आज, तो वही रिकॉर्ड कर रही थी और बहुत अच्छा लग रहा है। पहले अच्छा नहीं लगता था मुझे किचन में खाना बनाते हुए दिखाने में, अब अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर मैं खाना बना रही थी, मैं मतलब सुबह का नाश्ता तो अकेली हूँ ना तो मैं बना लूँगी अकेले के लिए। तो पहले मैं ना दोपहर का भी साथ साथ में बना लेती हूँ। तो मैंने बोला कि तड़का उड़का मैंने यहाँ पर लगा बना मतलब चढ़ा देती हूँ, फिर उसके बाद नाश्ता भी बना लूँगी साथ में। तो अभी ना सुबह में अमित का ड्यूटी था, मतलब ACF ड्यूटी चले गए थे वो, तो मैं अकेली रहती हूँ। तो फिर मैं सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा वगैरह तो रोज ही होता है तो वो मैं दिखाई नहीं। तो यही मॉर्निंग रूटीन मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में कि 7th मंथ प्रेगनेंसी में मेरा मॉर्निंग रूटीन क्या रहता है। तो यही है मेरा मॉर्निंग रूटीन। और इसके बाद यहाँ पे मैं ना अपना तड़का जो है उसको बना रही थी, भूंज भांज रही थी। और ना फ्रूट्स मैं अभी नहीं खा रही क्योंकि मुझे बिल्कुल भी मन भी नहीं करता है फ्रूट खाने का। इतना ज़्यादा फ्रूट खा लियो ना मैं तो मैं 2-3 दिन स्किप कर करके खाती हूँ तो अच्छा लगता है। तो अभी आम वगैरह रखा हुआ है लेकिन मुझे भी मन भी नहीं कर रहा, और कुछ फ्रूट्स ख़त्म भी हो गया तो लेकर के भी आना है। तो यहाँ पर मैं अपना मॉर्निंग में यही मेरा रोज़ का काम होता है कि मैं काम ख़त्म कर लेती हूँ दोपहर तक का काम, मतलब खाना पीना तक का कर लेती हूँ। आज रोटी और तड़का बना रही थी तो रोटी मैं बाद में बनाऊँगी और तड़का मैं बना के रख दे रही थी। और यहाँ पे मसाला वगैरह भी मैं सब डाल दे रही हूँ उसी में। तो यहाँ पे भूंज रही थी टमाटर प्याज वगैरह सब डाल कर भूंज भांज के इसमें ना दाल को डाल दूँगी। तो ये तड़का बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत प्रोटीन वाला होता है। मैं नॉर्मल दाल बहुत कम खाती हूँ, मन भी नहीं करता मुझे नॉर्मल दाल खाने का उतना, क्योंकि अच्छा नहीं लगता मुझे, पता नहीं क्यों। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मसाला डालूँगी, मुझे तो मन करता है कि ये मुर्गा को काट के मैं खा लूँ बना बना के, क्योंकि बहुत इरिटेट हो गई हूँ मैं इससे। और मेरे जो हस्बैंड है ना वो सिर्फ सब कुछ लाला के रख देते हैं, उनको करना कुछ पड़ता नहीं है, सब मुझे करना पड़ता है, झेलना मुझे पड़ता है। खैर आप लोग प्लीज़ इग्नोर करना इसे। और यहाँ पर मैं तड़का का जो मसाला वगैरह है डाल दे रही हूँ सब। तो यहाँ पर मैं आटा गूंद लेती हूँ। नाश्ता में मैं आलू पराठा बनाने वाली थी, एक्चुअली कल रात में मैंने आलू पराठा बनाया था, उसका थोड़ा सा चोखा जो होता है ना वो बच गया था। तो मैंने बोला कि मैं सुबह बना के खा लूँगी, अकेली तो खाना है तो इसलिए मैं ना सुबह में बना के खा लूँ अब, मतलब यही बना रही। तो आटा तो सानना ही था, दोपहर के लिए मैं सान दे रही थी और अपने लिए भी सान ली थी।
और यहाँ पर ना मैं तड़का को डाल के अब इसे ढक दूंगी, तो यहाँ पर वो तो बन जाएगा अपना, छोड़ देती हूँ, धीरे धीरे वो पकता रहेगा। तब तक मैं यहाँ पर ना फटाफट से अपना नाश्ता बना लेती हूँ, क्योंकि भूख भी लग जाती है और नहाने के बाद ही मैं नाश्ता करती हूँ। तो फटाफट से यहाँ पे मैं देखो, चोखा थोड़ा सा बच गया था, दो दो पराठा आराम से हो गया था, तो मैं यहाँ पे अपना बना ली। तो बस यहाँ पर अपना पराठा बना रही थी, और मुझे आलू पराठा बहुत टेस्टी लगता है, बट मुझे चाय के साथ या फिर दही के साथ अच्छा लगता है। तो चाय अभी मैं पी नहीं रही हूँ ज़्यादा, और दही था नहीं, तो मैंने टोमेटो सॉस के साथ खा ली थी। तो यहाँ पर मैं भी पराठा अपना बना ली थी, उधर बर्तन भी पड़ा हुआ है, तो मैं सोच रही थी बर्तन वर्तन भी साफ़ कर लूँ, तो सारा बर्तन वर्तन भी मैं साफ़ कर लूँगी, साथ साथ में मेरा किचन का काम ख़त्म हो जाता है। और फिर उसके बाद मैं आराम से रहती हूँ, फिर अमित आते हैं तो रोटी बनाती हूँ खाली, फिर सब्जी वब्जी बना रहता है, कुछ कुछ मैं अलग अलग चीज़ करके बनाते रहती हूँ। तो यहाँ पे अपना पराठा बना ले रही हूँ फटाफट से, और आराम से इंजॉय करूँगी। सुबह का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरे लिए। तो आलू पराठा में क्या हुआ था ना, कि आलू को थोड़ा देर बाहर फ्रिज में रखी थी, और फिर मुझे बाहर रख दी तो थोड़ा गीला हो गया था, तो ऐसे बन रहा था। बट मुझे मेरा आलू पराठा बहुत टेस्ट अच्छा बनता है, पर अभी ठीक से बन नहीं रहा था। तो यहाँ पर मैं दो दो ही पराठा बना रही थी, और ज़्यादा नहीं खाती, दो ही खाती हूँ। तो यहाँ पर ना बस अपना रोज का यही हो जाता है मेरे को, मैं मतलब थक भी जाती हूँ, बट सुबह कभी कभी एक्टिव रहती हूँ ना, तो काम पूरा हो जाता है घर का। तो यहाँ पे मैं बर्तन धोने चली गई थी, क्योंकि बर्तन पड़ा हुआ था, मैं बर्तन धो ली हूँ यहाँ पर, और मैंने वो नहीं दिखाया। और यहाँ पे मैं कपड़े धो रही थी, क्योंकि कपड़ा उपड़ा भी रहता है सुबह सुबह में, तो मैं धो के क्लीन कर लेती हूँ, और पड़ा रहता है ना तो पड़ा ही रह जाता है, इसलिए मैं सब कुछ धो लेती हूँ एक साथ में। तो खुद से जितना हो पाता है कर लेती हूँ, बाकी ऐसे सारा काम खुद ही कर लेती हूँ मैं। एक आध दिन कभी कल झाड़ू पोछा नहीं करती हूँ तो छूट जाता है, ऐसे तो मैं अक्सर कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे कपड़े वपड़े डाल दे रही हूँ मैं, फिर उसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए, और यहाँ पे कपड़ा सूख भी जाएगा तब तक, क्योंकि धूप भी बहुत अच्छी हो रही थी। और फिर उसके बाद मैं नहा धोवा के यहाँ पे आ गई थी नाश्ता करने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 10 बज जाता है, तो 10 बजे 10 बज गया था। और यहाँ पे मैं अपना आलू पराठा और टोमेटो केचप ली थी, तो वही खा ले रही हूँ, और फिर उसके बाद दवाई खा लूँगी, और फिर दोपहर में खाना वाना देखूँगी खाऊँगी। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।